स्मार्टी जो था वो सिर्फ 3 घंटे पढ़ता था और अपना एक्स्ट्रा वर्क मतलब टाइम 2 घंटे का अन्य गतिविधियों में लगाता था। धीरे धीरे समय बीता गया, परीक्षा नजदीक आती गई, जो हार्डी महोदय थे वो थोड़ा सा टेंशन में आने लगे और वहीं जो हमारे स्मार्टी थे वो बिल्कुल कूल और काम थे। वो दिन भी आ गया जो परीक्षा का दिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है एक स्टूडेंट के लिए। तो उस दिन वो हार्डी महोदय जो 5-5 घंटे पढ़ा करते थे बहुत टेंशन में आ गए और वो पढ़ी हुई चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टमेटिक नहीं पढ़ा था और जो दूसरी तरफ हमारे स्मार्टी थे वो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई की थी, उन्हें प्रश्नों के मुताबिक सारी सामग्री या जो उन्होंने पढ़ी थी कंटेंट जो पढ़ा था वो क्रमशः याद आता गया और वो लिखते गए और आखिर में जब रिजल्ट निकला तो वो अच्छे नंबरों से पास हुए। दोस्तों सवाल अब ये उठता है कि आखिर 5-5 घंटे करने के बावजूद भी हार्डी स्मार्टी से कैसे पिछड़ गए, मेन बात ये है। तो उसमें इस वीडियो का दूसरा पार्ट शुरू होता है, एक मैडम आती है और वो बताती है कि आप कैसे नोट्स बनाएंगे। नोट्स उसमें हर अक्षर का एक मतलब होता था। माई नोट्स में M का मतलब है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, Y का मतलब होता है